ईमानदारी नाल दसो ए हर्ष धूरी वर्गे बंदे की तुहाडी पुलिस की पकड़ तो बाहर ने ते जे कुसे सिख नूं फड़ के टंगना हुंदा है फिर तां झूठियां मूठियां कहानियां भी कर लैंदे हो किवें सिखां दे घर फरोल दिंदे हो। भाई जगतार सिंह तारां नूं तां थाईलैंड तों भी चुक लिआउंदे हो, इत्थे वेख्या जांदा ना। देखो थाईलैंड तों चुक लिआए सी कैप्टन अमरिंदर सिंह दी वाइफ प्रनीत कौर दे खाते चों ट्रांसफर करन वाले जिहड़े बंदे ने जिन्हां ने पैसे 40-42 लाख ट्रांसफर कीता ओ उन्हां नूं तां दूजी तीजी स्टेट दे विच्चों 24 घंटिआं दे अंदर अंदर फड़ लिआ सीगा। ते इत्थे पंजाब दा बच्चा बच्चा कूक रिहा है, दुनिया भर विच वसदे होए पंजाबी इह गल कह रहे ने कि हिंदू की मुसलमान सारे चाहुंदे ने कि बेअदबियां दे मसले ते इंसाफ होवे। और बेअदबी घटनाक्रम दा जिहड़ा मास्टर माइंड गुरमीत राम रहीम है उहदे तक तां तुसीं की पहुंच करनी आ, उहनूं प्रोटैक्शन ब्रंट दे उत्ते सद के उह तों तां पुछगिछ की करनी सी। बल्कि उन्होंने जिहड़े तीन इह बंदे ने संदीप होरी प्रदीप होरी हर्ष होरी इह तीन बंदे भी अजे तक तुहाडी पहुंच तों बाहर ने। खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। SSP फरीदकोट ने हर्ष धूरी प्रदीप कलेर संदीप ब्रेटा बारे लुक आउट नोटिस जारी किया। ए तिन्ने ओ व्यक्ति ने जेड़े गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी व्यादवी दे दोषां दा सामना कर रहे ने। 1 जून नूं जो पावन सरूप चोरी होया सी 2015 दे विच गुरज जवाहर सिंह वाले तो उहदे विच भी इन्हां तिन्नां नूं नामजद कीता गया। और दूसरा जेड़ा 24-25 सितंबर दी रात नूं बुरज जवाहर सिंह वाला ते बरगाड़ी दे विच विवाद पोस्टर लाए गए सी उहदे विच भी इह तिन्नां बंदिआं नूं नामजद कीता गया। तीसरा जो 12 अक्तूबर नूं बरगाड़ी दीआं गलियां विच सतगुरु सच्चे पातशाह दे पावन अंक खिलारे गए सी उस मसले दे विच भी इह नामजद ने। चौथा जिहड़ा मोगा जिले दे पिंड मलके दे विच बेअदबी घटनाक्रम वापरिया ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੁਰੂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਕੌਮੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 3-3.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ SSP ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 3-3.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜੇ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ 15 ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ, 21 ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਟੋਟਲੀ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁੰਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਦਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਫਰਟ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਚੰਨੀ ਤੇ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਉਹਰੀ ਤੁਰ ਪਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਇਹ ਹਰਸ਼ ਧੂਰੀ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਟੰਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਮੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਫਰੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆਏ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਈਫ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਚੋਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ 40-42 ਲੱਖ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਕੂਕ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ।
बल्कि उन्होंने जेडे तीन ये बंदे ने संदीप होरी प्रदीप होरी हर्ष होरी ये तीन बंदे भी अजे तक तुहाडी पहुंच तो बाहर ने मतलब ये टोटल फेलियर भी है ते दूजा मैं समझदा कि यह जान बुझ के बेईमानी बरती जा रही है पंजाब पुलिस वालों अज दे समय विच कि ये बंदे इदा भगौड़े रह सकते हैं पंजाब पुलिस नूं स्पष्ट करना चाहिए कित्थे कित्थे तुसी तफ्तीश की इन्हां बंदियां नूं फड़न वास्ते छापे मारे और सौदा साहब जी उस गुफा च गए हो सौदा साहब वल नूं मूंह क्यों नहीं करदा इत्थों दा सारा सिस्टम पता नहीं की सरकार दे नाल जां प्रशासन दे नाल सौदा साहब दी की रिश्तेदारी है कि सौदा साहब दे डेरे च नहीं तुसी जांदे परमिशन क्यों नहीं मिल रही जां तुसी जांदे क्यों नहीं यह सारिया गल्लां स्पष्ट होनिया चाहिए सो मैं समझदा कि तुसी बिल्कुल उस तरह जिवें कैप्टन अमरिंदर सिंह कर रहा सी वह भी कहिंदा सी कि मैं एफर्ट बहुत कर रहा मैं बहुत यतन कर रहा उही काम मौजूदा सरकार कर रही है बेअदबियां दे मसले ते चन्नी साहब तुहाडा अजे तक मूंह भी नहीं खुलिया ए नोट करन वाली गल है कि तुहानू समा लंघ रहा तुहाडा तुहाडे कोल तां समा भी बहुता है नहीं आ महीना सवा महीने नूं इत्थे चोण जाबता लग जाणा फिर बहाना बनाओगे जी सानू टाइम नहीं मिलिया इस करके ये 24 घंटिया के अंदर अंदर हर्ष धूरी वर्गियां दी की औकात है जी 24 घंटिया के अंदर अंदर इन्हां बंदियां नूं फड़िया जा सकदा जे इत्थों दा सिस्टम ईमानदार होवे पर इत्थे जाण बुझ के सिखां दे अखां च कट्टा पाया जा रहा जदों तुसीं बेअदबी दे जिहड़े दोषी ने उन्हां दी पुस्तपनाही करदे हो ना फिर ही बार बार बेअदबियां दा दौर चलदा कितें अंक खिलार दिंदा कोई कितें गुरु ग्रंथ साहिब नूं अग ला दिंदा कोई क्योंकि वह सारे गुंडा अंसरां नूं ये पता है कि सरकार तां साडी पिठ ते खड़ी है पंजाब पुलिस तां साडी पिठ ते खड़ी है इत्थों दीआं एजेंसियां तां सानूं सपोर्ट करदियां ने ते उदां बेकसूरां नूं तुसीं चुकणा होवे दो मिनट नहीं लाउंदे यकदम तुसीं की कुछ कर दिंदे हो सो मैं समझदा पंजाब सरकार दी नलैकी आ इत्थों दे सारे सिस्टम दी नलैकी आ ते दूजा जिहड़ी साडी पंथक लीडरशिप है वह इन्नी नलायक हो चुकी आ हुण कित्थे आ बीबी जंगीर कौर प्रधान श्रोमणी कमेटी जिहड़ी इंसाफ मंगण वालियां नूं दोषी कहिंदी सीगी किधर गई उह कोई इस मसले दे उत्ते मूंह नहीं खुल रहा जथेदार साहब अकाल तख्त साहब दे ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी हुण की हो गया मूंह च घुंगड़ियां पईआं बोलो ना कि अजे तक लुक आउट नोटिस जारी हो रहे ने जे 6 सालां च अजे दोषी धोसी फड़ ही नहीं सके फिर इंसाफ मिलनू तां 60-70 साल चाहिए है ना सो इसलिए साडी राजनीतिक लीडरशिप साडी धार्मिक लीडरशिप इन्नी नलायक होगी कि सौदा साध मैनू समझ नहीं आती उस अत्तवादी उस कातल बलात्कारी नाल इन्हां दी रिश्तेदारी की आ मौड़ बंब कांड हुंदा है मासूमां दीआं जानां जांदियां ने सब नूं पता लग जांदा कि वह कार जिहदे च बंब फिट किया गया वह कित्थों तैयार होके आई पर जांच विच विचाले रोक दित्ती जांदी है स्पष्ट करो ना तुसीं दसो तुहानूं रोक कौन रहा जांच करन तों जदों पंचकूले दे विच सारा कुछ वापरिया इन्हां ने अत्याचार किया मीडिया कर्मियों नाल भी कुटमार की सौदा साहब दे चेलियां ने उन्हां समयां च इलैक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया सारे पासे खबरां छपियां सीगियां कि कुड़ियां दे कॉलेज तों जिहड़ियां सौदा साहब दीआं गुफावां तक गुप्त रस्ते आउंदी है गुप्त सुरंगां आउंदियां मैं पुछना चाहना पंजाब पुलिस नूं इत्थों दे सारे सिस्टम नूं कि उह सुरंगां दी छानबीन कीती है किते सौदा साध दे उह गुफा दे विच जिथे सौदा साध रंग रलियां मनाउंदा हुंदा सी हर्ष धूरी होरी ना उत्थे रंग रलियां मना रहे होण तुसीं जांच तां करो चज नाल सिर्फ लुक आउट नोटिस जारी करके ऐदां तुहाडा खेड़ा नहीं छुट सकदा सो इस मसले दे उत्ते साडी राजनीतिक लीडरशिप साडी धार्मिक लीडरशिप दी नलैकी है पंजाब पुलिस और सारे सिस्टम दी इत्थों दी सारा सिस्टम रल गया इसे करके अज पंजाब विच अंक अंक गुरु ग्रंथ साहिब दा लगातार खिलर रहा लगातार बेअदबियां दा दौर चल रहा मैं समूह इंसाफ पसंद भैण भरावां नूं बेनती करूंगा भावें हिंदू ने मुसलमान ने किसे मजहब नाल संबंधित ने कि इस मसले दे उत्ते ईमानदारी नाल आपां आपो अपने प्लेटफार्मां तों डट के आवाज बुलंद करिए भी इदां इह जिहड़ा सिर्फ सियासी रोटियां सेकणियां चाहुंदी है इस मसले दे उत्ते ये सानू बर्दाश्त नहीं होगा जेडे असल दोषी ने उन्हां नू फड़ो ते उन्हां दा मतलब बनदी कार्रवाई उन्हां ते करवाओ उन्हां दी पुस्तपनाही ना बनाओ पुस्तपनाही ना करो।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਈਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਲਈ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।